चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का एग्जाम NTA द्वारा एग्रीकल्चर कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें 11 प्रकार के प्रोग्राम के लिए ये एडमिशन होता है। इसमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर तीनों प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ICAR एग्जाम 2021 के लिए अभी NTA ने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी नहीं किया है, मगर ये एग्जाम हर साल जून फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है। अप्रैल में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मई में एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम के 15 डेज के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस बार NTA द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली सभी प्रकार की एग्जाम लेट हो रही हैं, तो हो सकता है ICAR का एग्जाम भी एक आध महीने लेट हो जाए। अब मैं आपको इसकी बाकी कंडीशनें बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ICAR का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसके बाद में इसका जो ड्यूरेशन होता है 2.5 आवर्स का होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ईच सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट से आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आएंगे, 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आएंगे। जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें आप ये सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कोर्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो इस प्रकार से इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल आंसर होंगे। इसमें अगर आप सही क्वेश्चन सही जवाब देते हैं तो आप 4 मार्क्स गेन करते हैं। किसी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके कोई मार्क्स उसमें नहीं कटते हैं। जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ग्रुप में, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है उसी में आंसर देना है। इसके बाद में हम इसकी क्वालिफाइंग एग्जाम की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो 10+2 पास होना चाहिए और इसमें एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 50% मार्क्स जनरल OBC, UPS और EWS कैटेगरी के लिए होने चाहिए। इसमें 40% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए SC, ST, ट्रांसजेंडर, PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स की इसमें कंडीशन है। अब इसमें जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पर जब काउंसलिंग होगी तब ये जो एग्रीगेट मार्क्स की कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि 10+2 पास होना चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज ही मान्य होती है। मिनिमम एज 16 ईयर होनी चाहिए 31 अगस्त 2021 को, यानी कि 31 अगस्त 2021 को आपने 16 साल की एज पूरी कर ली हो तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज का इसमें कोई लिमिट क्रिटेरिया नहीं है, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो सकती है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जनरल OBC, UPS और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में। SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर के लिए आपको 375 रुपीज पे करने होंगे। इसके बाद में हम बात करें इसमें टेस्ट की, तो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद में एग्जाम सेंटर की यहाँ लिस्ट दी गई है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं, आप अपने स्टेट में देख ले आपको कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है, कौन सा एग्जाम सेंटर आपके नज़दीक है, वो आप इसमें एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में। लेकिन बाद में ये एग्जाम सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते, सभी
स्टेट में इसमें एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और जहां नज़दीक हैं वहां के एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। इसमें जो एडमिशन के लिए कोर्सेज हैं, 11 प्रकार के कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन होता है, वो 11 प्रकार के कोर्सेज इस प्रकार से हैं: बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये 11 प्रकार के कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें कौन से कोर्स के लिए आप इलिजिबल हैं, आपका ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट रहा है और इंट्रेंस एग्जाम में कौन सा जो ग्रुप है आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ट्वेल्थ क्लास में आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। या तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए ट्वेल्थ में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या इंटर एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी कि ग्रुप कॉम्बिनेशन होना चाहिए ट्वेल्थ की एग्जाम में। जब इनमें से कोई आपका एक है तो आप इसमें जो इंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, ग्रुप अटेम्प्ट करेंगे, वो पीसीबी कर सकते हैं या फिर पीसीएम कर सकते हैं या फिर पीसीए कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री कर सकते हैं। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर अगर आप चूज करते हैं, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में इनमें से किसी एक में ग्रुप में आपका पास होना चाहिए, पीसीबी या फिर पीसीएमबी या फिर पीसीएम या फिर इंटर एग्रीकल्चर। एग्जाम में आपको जो अटेम्प्ट करना है पीसीबी से कर सकते हैं आप, पीसीएम से कर सकते हैं, पीसीए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और एबीसी मतलब एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप बीएफएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में आपके पीसीबी या फिर पीसीएमबी या फिर इंटर एग्रीकल्चर होना चाहिए और आपने जो एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो पीसीबी, पीसीए या फिर एबीसी ग्रुप अटेम्प्ट करना है। बीएससी जो ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, पीसीबी, पीसीएमबी, इंटर एग्रीकल्चर ट्वेल्थ में होना चाहिए इनमें से किसी एक में और अटेम्प्ट कर सकते हैं पीसीबी, पीसीए या एबीसी। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम चाहिए और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पीसीबी और पीसीएम। इसके बाद फूड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के लिए पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम होना चाहिए ट्वेल्थ में और आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं पीसीबी या पीसीएम ग्रुप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर की बात करें तो पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए ट्वेल्थ में, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पीसीबी और पीसीएम। इसके बाद में जो बीटेक के सारे कोर्सेज हैं, इन बीटेक के कोर्सेज में आप अगर चूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो पीसीएम या फिर पीसीएमबी सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीएम के ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की भी सेम कंडीशन है और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की भी सेम कंडीशन है, लेकिन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी सब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप अटेम्प्ट में पीसीएम और पीसीबी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर इसका एब्रीवेशन दिया गया है, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, बी बायोलॉजी, एम मैथमेटिक्स और ए मतलब एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आईसीआर की आपको टोटल बता दी है, किस प्रकार से आपने एग्जाम में कौन सा ग्रुप चुनना है, क्या इसकी
एज लिमिट है। बाकी इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जैसे ही जारी हो जाएगा एनटीए आईसीआर का एग्जाम डेट डिक्लेयर कर देगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।